जो बच्चे वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए आईआईटी क्वेश्चन बैंक में हाइड्रोकार्बन टॉपिक सेकंड में जाइएगा, और सेकंड में क्वेश्चन नंबर 6 है और उसको मैं पीडीएफ भी शेयर कर दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, देखिए अगर अलाउ किया जाएगा, थोड़ा सा मैं रिएक्शन का भी ब्रीफ करते हुए चलूँगा, तो अगर अलाउ करेंगे तो मैक्सिमम 2 इक्विवेलेंट इसमें ऐड होगा, और इसका फर्स्ट एडिशन फास्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड एडिशन। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे थ्योरी देख लीजिएगा, आपको जैसे अभी आइसोमिजम पढ़ने के लिए रिविजन करने के लिए दिए हैं तो वैसे ही रिएक्शन के लिए भी देंगे टाइम, ठीक है। एक ही साथ सब दूंगा तो पजल हो जाएगा, या तोड़ के दे रहे हैं उसी को फॉलोअप कीजिए। तो इसमें बताया था कि सेकेंड एडिशन का ओरिएंटेशन 99% केस में फर्स्ट एडिशन के ओरिएंटेशन के बराबर हो जाता है, इसका तो जहाँ पे अरे दोनों में एम रूल फॉलो होता है, राइट। तो शायद यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे एच होना चाहिए। क्या आप लोग एग्री हैं? ठीक है, अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस ये जो एच सी एल लिया है उसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं था। इसमें हम लोग मिक्स भी कर सकते हैं, पहले 1 मोल इसका लेंगे, ये भी एग्जाम्पल लिया हूँ। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, अब फिर एच बी आर भी कर सकते हैं। तो एच यहाँ पे और बी आर यहाँ पे, ऑर्गेनिक का सारा एग्जाम्पल भी मेरे क्लास नोट्स का देख लीजिएगा ना, मच मच मोर है, जे मेन के लिए तो बहुत है। अब क्वेश्चन पे आइए, ये हम लोग थोड़ा सा थ्योरी रिवीजन कर लिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे हिंट इतना ही करूँगा, बाकी थ्योरी का नोटबुक जाके देखिएगा, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन, राइट, प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन में ये बात मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ बोला हुआ है। ये बात समझ में आ गया कि एम रूल फॉलो कर रहे हैं? हाँ ना, बोलते रहना है। तो पहले क्या लिए हैं? डी सी एल, भाई जानबूझ के कन्फ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लेकर ड्यूटेरियम ले रहे हैं, बात तो एक ही है ना। तो सी एच थ्री सी एल डी, और उसके बाद फिर क्या लेंगे? डी आई लेंगे। ये कौन सा ऑप्शन में है देखिए, तो आंसर 4 होना चाहिए, 4 है आंसर। है ना, तो यही तो कॉन्सेप्ट था, ये वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट, समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा एवरीवन? ऑनलाइन के बच्चे 6 का डी, लग रहा बहुत टफ था, बहुत आसान है, बस एक स्यूडो प्रेशर क्रिएट कर दिया गया, डी हाइड्रोजन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये बात तो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए रोशन कुमार, एक क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए ना, और ये भी 200% गारंटी है कि ये बात मैं पढ़ाया हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले एच बी आर लेते हैं, और फिर एच सी एल लेते हैं। डिटो सेम यही एग्जांपल लिया हुआ है, करेक्ट है ना। देखो भाई मेरा अपना एग्जाम्पल याद रहता है, मैं क्या कहाँ पे क्या पढ़ाया हूँ, लाइन बाय लाइन, कॉमा और फुल स्टॉप तक तो याद है मुझे अपना नोट्स का। तो ए स्टेप और इस स्टेप में कौन सा स्टेप फास्ट रहेगा? अगर इसका नाम आर वन, इसका नाम आर टू, तो इस स्टेप में अगर आर टू आर वन के लिए बात करेंगे तो कार्बो कटाई नहीं बनेगा, हाँ ना।
और अगर R2 का बात करेंगे तो कार्बोकटायन ए बनेगा, एंड वेन वर वी कन्फ्यूज फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनी का रूल, तो फॉर्म कार्बोकैटायन, सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 99% इसमें और इसमें, वेन कम प्रेजन विद इन हेलोजन, तो रेजोनेंस देखते हैं तो ये मोर स्टेबल है इसका, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसका ज़्यादा रहेगा, सॉरी ए फास्ट रहेगा और ए स्लो रहेगा, तो आर्बन ग्रेटर देन व्हाट, यही बात आप यहाँ पे पूछ रहे हैं, यही है ना कि सर यहाँ पे पहले कौन गया था। अच्छा, इन दोनों में DCl और DI में, तो उस दोनों का स्टेप, ये तो मैं पहले ही बोल दिया, ये दोनों का स्टेप के लिए अल्काइन से अल्किन और अल्किन से फिर वो स्टेप रहेगा, तो जनरली सेकेंड स्टेप स्लोअर देन फर्स्ट होता है यहाँ पे। उसके पीछे के जब हैलोजन आ जाता है तो हैलोजन का हम लोग जो कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पे इसका फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में जो बनता है वो ए बनता है कार्बोकैटायन, और सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनता है ए बनता है। तो वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, इसमें इसके बीच में कंपेयर कीजिएगा तो इसका फिर माइनस आई लेना स्टार्ट करते हैं और इसका पाई क्लाउड इसको स्टेबलाइज करेगा। तो फर्स्ट स्टेप, सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट स्टेप स्लोअर देन सेकेंड ना, क्या उसमें था, सॉरी सेकेंड स्टेप स्लोअर देन फर्स्ट, दैट्स वाई हम लोग सेकेंड स्टेप के पहले रुक सकते हैं, सेकेंड स्टेप स्लोअर देन फर्स्ट, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा ये कम स्टेबल रहेगा, बट इसमें ऐसा भी हो सकता है, तो ये एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। यहाँ से रिएक्शन में अब मैं थोड़ा रुक रुक चलूँगा, ठीक है, ताकि जो मैं पढ़ाया हूँ वो रिमाइंडर भी करते रहूँ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्किन्स व्हेन ट्रीटेड विद HCl इट्स मेजोरिटी एन एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ देखिए, एक्चुअल में ध्यान से सुनिएगा, इसमें जनरली हम लोग मार्कोवनिकोफ रूल का ए में एग्जांपल एडिशन रिएक्शन, जब मार्कोवनिकोफ रूल ले रहा था तो एडिशन रिएक्शन में मैं एग्जांपल लिया था, तो मार्कोवनिकोफ रूल का स्टेटमेंट क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पे लेस सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल और मोर सब्स्टिट्यूट पे, दिस इज द स्टेटमेंट करेक्ट, बट मेन सेंस बिहाइंड मार्कोवनिकोफ रूल इज, बट हम लोग तो स्टेटमेंट जनरली एनसीईआरटी में पढ़ के रखेंगे राइट, तो सिर्फ मार्कोवनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे आना चाहिए है ना, और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आना चाहिए अकॉर्डिंग ओनली द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ मार्कोवनिकोफ रूल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, बट एक्चुअल में होगा उल्टा भाई, इसमें इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा है ना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा तो कटायन यहाँ बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा तो कटायन, बट सिर्फ अगर देखकर आपसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, तब उस केस में तो ऐसा फील हुआ कि क्या बन गया है, एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट आए, तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। यहां देखिए, हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाय माइनस आई बट ओरिएंटेशन बाय प्लस एम, अगर रेजोनेंस कर रहा है तो यहां पे कटाय इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा, तो यहां तो कोई एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनेगा नहीं, यहां पे जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बनेगा,
यहाँ पे से प्लस एम इसका लेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होना भी चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ आएगा और स्टेटमेंट से भी मैच कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेटमेंट अनमैच है या मैच कर रहा है इसके समय? मैच कर रहा है। तो NH2 CHCl यहाँ पे ये भी मैच कर जाएगा भाई, यहाँ पे ये इसका वेरी स्ट्रॉन्ग, जस्ट इसका तो पावर NO2 से भी भयानक है, माइनस आई होते हुए भी NO2 से भी ज़्यादा। इसको हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग में रखे थे, कटघरे बनाए थे ना फ्रीडर क्राफ्ट एक्शन के टाइम पे, राइट, जहाँ पे फेलोर हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअल में CF3 H यहाँ आएगा, तो मेन सेंस को हम रियल में अगर कोई पूछेगा तो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो यहाँ पे फॉलो हुआ है नहीं हुआ, तो फॉलो हुआ है। मार्कोनिकोफ रूल का मेन सेंस क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बट स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट क्या था? लेस सब्स्टिट्यूटेड पे इलेक्ट्रोफाइल, मोर सब्स्टिट्यूट पे न्यूक्लियोफाइल, उसके अकॉर्डिंग तो उल्टा नजर आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर डी रहना चाहिए। आंसर देखिए तो क्या है सेवन का, सेवन का अब समझ में आ गया। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया हुआ था, रियल में तो हम लोग कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग तो हम लोग सही काम किए हैं, तो ये एग्जांपल पे नहीं सेट कर गया। ये तो कॉपी पढ़िए, बहुत बढ़िया नोट्स है ऑर्गेनिक का, कमाल का नोट्स है एकदम, तो बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5% सीट मिसिंग लगेगा, 95% लगेगा कि हाँ नोट्स से हो जाएगा उस काम, ठीक है। और वैसा ही सारे रेस्पेक्टेड टीचर का नोट्स जहाँ भी क्लास किए हैं दो साल फॉलो कर लीजिए, जो भी टीचर पढ़ाए हैं जहाँ भी जो चीज़ पढ़ाए हैं मैथ का चाहे जो भी, तो उनका नोट्स फॉलो करना चाहिए। क्लास में जो भी टीचर एग्जांपल लेते हैं बैलेंस एग्जांपल, वैसे बायो का भी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर सेवन सबको समझ में आ गया ऑनलाइन के स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर एट में आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एच, करेक्ट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच। देखिए भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ये रहेगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अब इन इसमें इसमें कंपेयर किया तो इसका हाइपर कंसन की वजह से इसका एसिड डोनर डिक्रीज करता है एसिडिक करेक्टर, तो ऑर्डर होना चाहिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच ग्रेटर सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ग्रेटर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। देखिए तो किसी में ऑर्डर है सी, तो यही आंसर होना चाहिए सी। फ्री में मार्क्स है भाई, इसमें क्या है फटे बताइए, है ना फ्री में मार्क्स। लेकिन एसिडिटी बेसिसिटी का मेरा सारा एग्जांपल क्लास में करवाया हुआ, एक बार देखना पड़ेगा आपको एक या दो बार। क्वेश्चन नंबर नाइन, उसमें कुछ एक्सेप्शन था। द ट्रांस अल्कीन आर फॉर्म बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइन, ये तो बिल्कुल फ्री में है, पेन भी उठाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही ऑप्शन था वच रिडक्शन। अल्काइन से अल्कीन के लिए पांच रिएक्शन था, चार में सीन एडिशन होता था, एक ही में ट्रांस होता था एंटी एडिशन, जिसमें ट्रांस मिलता था, दैट इज वर्स रिडक्शन, वनली ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, लिथियम अमोनिया या सोडियम अमोनिया? रीजन क्या था वर्स रिडक्शन का, याद आया या नहीं आया आप लोग को? एक मिनट ये मैं चेक ही कर लेता हूँ आप लोग को याद है नहीं है। यहाँ से सीन एडिशन का रीजन बताइए, तीन का हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन सीन एडिशन हो जाएगा, लिनार कैटलिस्ट सीन हो जाएगा, पी टू कैटलिस्ट याद है निकेल बोरेड एन आई टू बी एस टू, राइट। एक और बोलिए,
डाइआइमाइड। कैसे भूल जाते हैं भाई N2S2 जिसमें सिक्स मेंबर रिंग बना था। बोले थे कि देखिए ये इसको लेंगे बट इसे नहीं लेंगे, अदरवाइज अप्रोच नहीं हो पाएगा। अल्कीन में करेक्ट, ये अल्केन में ही रिएक्शन लिया हुआ था। लास्ट में अल्काइन में कंक्लूड किया था कि चार ऑप्शन में सीन बनता है इसका, ऐसे यहाँ यहाँ और यहाँ। और आप लोग बोले भी थे कि सर तीन एरो तो छः काम होगा, थ्री एरो तो कितना काम होगा, और हाइड्रोवर्सन कितना होता था, दो एरो तो चार काम एक साथ। करेक्ट है, तो सर एक बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं बट उसमें ए मिलाते थे स्टूडेंट हाइड्रोजन H2O2, क्योंकि डाइअमाइड हाईली अनस्टेबल है, तो उसी टाइम पे बनाते थे N2H2। करेक्ट है, और एक ही ऑप्शन था। इस सब में क्या मिलेगा, एक्टिव डबल बॉन्ड रहेगा और सिस मिलेगा, नहीं बट एक ही ऑप्शन था, वर्च रिडक्शन, लिथियम अमोनिया या सोडियम अमोनिया। तो बिल्कुल फ्री में मार्क्स था, करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। ए दिया हुआ है लिनार कैटलिस्ट, करेक्ट है ना, लिनार कैटलिस्ट का कंपोजिशन क्या था, प्लेडियम क्यूनोलाइन और कैल्शियम कार्बोनेट H2, राइट, या प्लेडियम बेरियम सल्फेट क्यूनोलाइन, हालांकि यहाँ पे क्यूनोलाइन मेंशन नहीं किया हुआ है, करेक्ट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का देख लो आंसर सी। आंसर है हाँ या ना, सी है ना, इसका आंसर तो ओहो पेज के बाहर हो गया है, कोई बात नहीं स्टूडेंट देख लेते हैं। अब मुझे कॉपी निकाल यहाँ, अच्छा आपके पास है ना, अच्छा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एडिशन ऑफ HOCl, इसका नाम है हाइपोक्लोरस। ये बनता किससे है, Cl2+H2, HCl+HOCl, हाँ या ना, कौन सा रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन, इसका क्या नाम है, इट इज समटाइम्स NaOH डाइल्यूट, Cl2+NaOH डाइल्यूट अगर लेंगे, पूछा भी जाता है कौन कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो दो टाइप का सॉल्ट बनेगा, NaCl+NaOCl, NaCl+ सॉल्ट का बात करेंगे तो यहाँ पे HOCl में स्टूडेंट, HOCl में ये तो खुद ही तो एसिड है, इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसको दो तरीके से सोचना है। पहला तरीका तो ये रहेगा Cl2 barter, ये पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ, Cl2 CCl4, याद है आप लोग को, हेलोजिनेशन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और Cl2 water, इसे बोले थे कि इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है बट इसमें कार्बोकैटायन, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या जाएगा, Cl इलेक्ट्रोफाइल बनकर तो CH3CH+CH2Cl, बाद में Cl- यहाँ पे Cl- भी है बट Cl- से पहले अटैक किसका हो जाएगा, वाटर का एज ए मेजर प्रोडक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे HOCl सोचें या उसको शॉर्टकट में Cl2 barter ऐसा सोचें, अलग बात है, सेम बात बट फिर भी अगर HOCl को लेकर कंफ्यूज है तो HOCl का मतलब मेरे पास H2 है और Cl+ है, H2 है और क्या है, Cl+ है, करेक्ट है ना। तो पहले यहाँ पे अटैक कौन करेगा, Cl+,
तो यही तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, ए यही तो आंसर है। ठीक है ना। अब बाद में कौन अटैक करेगा शहबाज? वाटर एज न्यूक्लियोफाइल और ASP2 कार्बन है ना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए। अब मैं इसमें क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया। तो अगर SP2 कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक करेगा, तो ए बन रहा है काइरल कार्बन। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट? दो प्रोडक्ट। और दोनों के बीच रिलेशन DL पेयर का रहेगा, कभी ये भी तो आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सब तो बहुत कॉमन एग्जांपल था भाई, इसमें तो भर भर के मैं पढ़ाया हूँ, इतना सारा एग्जांपल लिया गया है। बट नहीं था कि एक बार इस तरीके से फॉलो करने से आपको सेकंड टाइम मेरे साथ रिवीजन हो जाएगा, बट इंटरेस्ट लेना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक में, जल्दीबाजी में नहीं काम करेंगे, प्रॉपर इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि टाइम है तो अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब तो हो जाए, देखिए इसको याद रखिएगा, हाइपोक्लोरस का मतलब Cl2H2O। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं, दोनों तरीके से नोटबुक में लिया हुआ है। ठीक है ना। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक्टिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, हाँ है ना। तो एक्टिव डबल बॉन्ड देख लीजिए किसमें है। सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए और मुझे बताइए किसमें किसमें होगा। नाम से तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जितना देर में आप सोच रहे हैं दिमाग में उतना देर में तो कॉपी पे स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि टाइम रहेगा इसमें 1 मिनट। तो बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए डिसाइड कीजिएगा, देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कॉपी पे ड्रॉ कीजिए भाई। वन वन डाइफिनाइल, हाँ वन प्रोपीन होना चाहिए। इसमें तो एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं है, एक टू फिनाइल। आप लोग बताइए आंसर है? नहीं सारा का बताना है ना, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर भाई। एक मैं आप लोग को छोड़ दिया, एक एक क्वेश्चन तो आंसर दीजिए, क्या होगा जिज्ञास? एम एक्टिव डबल बॉन्ड है, चलिए आंसर क्या है? ये है, हो गया ना। क्या इसको क्वेश्चन को डील करने का रिक्वायरमेंट है? बन जाएगा, सिर्फ नाम देखकर लिख देकर स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा और एक्टिव डबल बॉन्ड खोजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपाउंड वुड गिव 5-keto-2-methyl-hexanal अपॉन ओजोनिलिसिस। 1 मिनट, इस एक मिनट इसको बहुत स्मार्टली बनाएंगे। 5-keto-2-methyl-hexanal करेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ पे 2-methyl? 1, 2 ओजोनिसिस के लिए डबल बॉन्ड का, अगर ओजोनिसिस का तो उसमें तो सबसे आसान था, ब्रेक सी डबल बॉन्ड सी अमेक, इसको मिला देंगे, हाँ या ना, मैंने उल्टा कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5 चलिए एक कप, इसका मतलब डबल बॉन्ड किसके बीच में रहेगा? 1 और 5 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5 और ए रहेगा 2 पे, टू एन फाइव
देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बी, आंसर बी होना चाहिए। क्या है, उल्टा चल दिए सबका तोड़ते, इससे अच्छा कि इसी को कर दिए। तो ऐसा तो हम लोग क्रॉस किए थे और इसी में तो कहा था एक लाइन में था, ब्रेक सी डबल बॉन्ड सी मेक सी, ब्रेक सी डबल बॉन्ड सी मेक सी डबल बॉन्ड ओ। इन्हें तो सर ये भी तो फ्री में मार्क्स है, बट फ्री उनके लिए है जो अच्छे से पढ़े हुए हैं, सबके लिए फ्री नहीं है जो पढ़े हुए हैं और जो इसमें टाइम बचा सकते हैं। इन सब क्वेश्चन में हम लोग टाइम बचा सकते हैं, 20 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बहुत रिएक्शन से बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बहुत स्मार्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्टली आपका स्ट्रांग है, पढ़ा हुआ है। चल इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन विथ सिल्वर पाउडर। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, Cl एक रिएक्शन में लिया हूँ या नहीं लिया हूँ, आप बस इतना रिकॉल कीजिए, रिएक्शन पढ़ाया या नहीं पढ़ाए हैं, अब कहाँ पढ़ाए हैं ये रिकॉल करके बता दीजिए। जब मैं आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ा रहा था, क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टी, क्लोरोफॉर्म का, तो CHCl3 में सिल्वर पाउडर लिया था, कुछ तो हाँ ना बोलिए, एसिटिलीन बना था, याद है, करेक्ट है। ठीक है ना, तो भाई इसमें भी तो वही होगा, CH3 CL दर्शना ज्वाइन किए हुए हैं, आपका जो डाउट था उस दिन नहीं क्लियर कर पाए थे ड्यू टू टाइम, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर वो जितना भी डाउट है ना फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं स्पेशली अगर आते हैं सेंटर पे देन फाइन, और नहीं तो मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा और कॉल करके समझा भी दूंगा। तो 6 AgCl सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड, ये तो होना चाहिए आंसर, 2-butane आंसर सी है, 13 का सी देखिए तो है। है ना, तो वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिए, 2-butane। ये सब जेई मेन का लेवल, यहाँ देखिए सब आज और नीट का सेम लेवल होता है, नीट लेवल का ही क्वेश्चन है। 14 द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ गिवन कंपाउंड, ये कब आया हुआ है, CH3H। CH3 यहाँ तक ही ना, देखिए तो हाँ है ना, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यहाँ ब्रेक हो जाएगा, यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ए पार्ट क्या देगा, CH3CHO, ए पार्ट भी क्या देगा, तो क्या 2 mole ऑफ CH3CHO कर दें, और ए पार्ट क्या मिलेगा, इधर क्या CHO और इधर क्या मिलेगा, CHO, एग्री, और इधर क्या मिलेगा, CH3 CHO, और यहाँ भी क्या मिल जाएगा,
एक कायरल सेंटर है? नहीं, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी क्या है, एक कायरल कार्बन हो गया। इस पूरे कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन है? ये भी कोई कायरल कंपाउंड है, तो करेक्ट आंसर तो जीरो होना चाहिए। प्रोडक्ट में कुछ, जब कोई जितना टाइप का प्रोडक्ट मिला है उसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, राइट? विदाउट कायरल सेंटर भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसके लिए, लेकिन वो सिर्फ दो केस में था। विदाउट कायरल सेंटर भी ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है, बट कौन कौन सा केस में है? केस ऑफ क्यूमिलिन्स, करेक्ट, कंटिन्यूस डबल होना, और एक था केस ऑफ बाई फिनाइल, केस ऑफ एक बाई फिनाइल के जैसा सिस्टम में भी एक था, ठीक है ना? तो आंसर क्या रहेगा? जीरो। तो यहाँ देखिए, इसमें आपको ऑजोनोलिसिस का रिएक्शन भी पूछ लिया गया और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है? सिंथेसिस ऑफ थ्री ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय, बोलिए, एडिंग ए ब्रोमो अल्केन इनटू मिक्सचर ऑफ, यस, सोडियम एमाइड एंड एन अल्काइन। ये मैं एक रिएक्शन पढ़ाया हूँ, ध्यान सुनिएगा। प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल अल्काइन फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम अंडर था बाई टेकिंग सोडियम अल्काइनाइड, सोडियम अल्काइनाइड। इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। सी माइनस एन ए प्लस और यहाँ देखिएगा आर डैश एक्स, ये इसको न्यूक्लियो फाइल के साथ क्या करेगा? अटैक करके आउट कर देगा, लेकिन अगर 3 डिग्री रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन के जगह पे फिर एलिमिनेशन हो जाएगा, करेक्ट है? यह कॉन्सेप्ट था, करेक्ट। लेकिन समटाइम्स इसी को इनडायरेक्टली, यहाँ देखिए स्टूडेंट, समटाइम्स इसी को इनडायरेक्टली ऐसे दिया रहेगा, फर्स्ट में सोडामाइड, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट में और अल्कीन में था कि ऑलवेज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल का आइसोमराइजेशन होता है, बट अल्काइन का दो दो चीज़ था, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल भी होता था, मतलब टर्मिनल से इंटरनल, इंटरनल से टर्मिनल कौन लेके आता था? सोडामाइड। और टर्मिनल से इंटरनल कौन लेके आता था? सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। पूरा रिएक्शन देखना पड़ेगा भाई, जब यहाँ पर रहना पड़ेगा, ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एग्जाम में बैठना है। फर्स्ट में लेंगे और सेकेंड में कोई बात नहीं है, पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते करते आपको अभी शॉर्ट नोट दो तीन बार देखना पड़ेगा स्टूडेंट, रिएक्शन शॉर्ट नोट्स बना बनाकर, ठीक है? और रिएक्शन का कॉपी जितना बार पढ़िएगा उतना ही फायदा होगा, एग्जाम से पहले दो तीन बार देख लीजिएगा पूरा एग्जाम, मेरा एग्जाम्पल करवाया हुआ जितना बार देखिए। तो इन्हें था कि यहाँ पे ये देखिए, तो इसमें क्या बन जाएगा, पहले सोडामाइड लेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस। क्वेश्चन मैं आप ही लोग से सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ, इस पे अटैक करेगा, इसे आउट कर देगा, ठीक है ना? अब आप मैच कीजिए, मैं तो आइडिया तो दे दिया, इसमें कौन सा रहेगा? चार ऑप्शन है, चारों में वन बाय वन देखिए, ऑप्शन ए लेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट यहाँ तो ऑक्टाइन ही बोला गया है, राइट? ये सही है? नहीं है। फिर ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट?
उसके बाद सी एस टू, सी एस टू कितना, दो ही सी एस टू है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टाइन हो जाएगा, 3 हेप्टाइन होगा ना भाई, तो बीबी तो नहीं रहना चाहिए। सी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो सी एस थ्री सी, सी एस टू, सी एस टू, 3 CH2 है, सी एस थ्री 1, बी तो ऐसे भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 4 पे आ गया ना, मैंने एक गलती कर दिया है बी में, सी एस थ्री सी एस टू, अल्काइन जो था टर्मिनल अल्काइन बी में, सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू, राइट, सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू, सी ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे चाहिए क्या मुझे, 3 ऑक्टाइन, इसमें तो 2 ऑक्टाइन मिलेगा भाई, सी भी नहीं रहेगा, डी में सी एस थ्री सी एस टू सी ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है, आंसर क्या है देखिए, तो फिफ्टीन का डी, तो रिएक्शन आ गया, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम सोडियम बाय टेकिंग सोडियम अल्काइनाइट, तो इसमें ऐसे, ठीक है, तो इस टाइप का एग्जांपल मैं अल्काइन में लिया हुआ हूँ, वहाँ देख लीजिएगा, करेक्ट है ना। तो सबसे ज़्यादा एंजॉय कब करते हैं इसका, जब आपके पास अल्केन अल्किन अल्काइन का साथ में शॉर्ट नोट्स भी रहता है, तो और भी जहाँ पे डाउट है शॉर्ट नोट्स देख लिए कि है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेंड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन, कब का पूछा हुआ है, 2017 है या 2007 का, ट्रांस टू ब्यूटीन, यहां देखिए एक कहावत हम लोग पढ़े थे, सिस सीन सिमिलर मेजो, ट्रांस एंटी सिमिलर मेजो, करेक्ट, तो यह है ट्रांस और ये तो एंटी एडिशन होता है, तो सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच बी आर सी एच थ्री, एक कायरल सेंटर है लेकिन सिमिलर है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑप्टेंड बाय ब्रोमिनेशन सिर्फ मेजो मिलेगा 1, करेक्ट, डीएल पर मिलेगा या मेजो मिलेगा, मेजो, तो करेक्ट ऑप्शन 1 रहना चाहिए, 16 का ये कि आ गया एक क्वेश्चन, राइट, चलिए यहाँ से सही से हम लोग को आइडिया मिलेगा क्वेश्चन कैसे आता है। तो इतना एफर्ट लगाना सही था, ये बात मुझे पता है, आप लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए बात बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा भाई, अगर जेईई मेन तक कब तैयारी करना चाहते हैं, तो समझ में आ गया ना, यह है ट्रांस, यह है एंटी एडिशन, तो 8 कॉम्बिनेशन बना था, उसमें 2 में ही मेजो मिलता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन, कौन सा, अगर विदाउट टेकिंग रिस्क अगर चाहते हैं तो सोडामाइड, लेकिन पहले अगर अल्कोहल को एस अब फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं सोडामाइड, तो इसमें सिर्फ सोडा में, हाँ इसमें क्या एक्वस क्यू एच, भाई एक्वस क्यू एच लीजिएगा तब तो ए बन जाएगा, एक्वस क्यू एच लीजिएगा तो पहले ही ए बन के रहेगा, ओ एच आर ओ एच सब्स्टिट्यूशन ना एक्वस क्यू एच में, और फिर ओ एच को बेसिक मीडियम आउट कर पाएंगे, इम्पॉसिबल बात हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, अल्कोहलिक क्यू एच फॉलोड बाई सोडामाइड, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, या सिर्फ सोडामाइड,
स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन। तो यहाँ देखिए, ये पहला ही प्रिपरेशन था अल्काइन का, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड। और उसमें अगर हम लोग सिर्फ विनाइलिक स्टेज पर रुकना चाहते हैं तो अल्कोहलिक को लेंगे, बट अगर विनाइलिक से अल्काइन तक श्योर शॉट जाना चाहते हैं विदाउट एनी रिस्क तो सोडामाइड को फॉलो करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, NOCl। तो NOCl का मतलब क्या नाम, नाइट्रोसाइल, क्या है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। एनो, इसका मतलब मेरे हाथ में क्या है, एनो प्लस एंड, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है भाई, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये देख लीजिए मार्कोवनिक का रूल लगाकर। CH3 यही तो होना चाहिए, कोई ऑप्शन में है आंसर क्या है ये ना, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे स्टूडेंट, ये हम मेरे टाइम का क्वेश्चन है 2006, 3 मार्क्स, फ्री में मार्क्स नहीं, हम लोग उस टाइम के लिए मुझे फ्री में मार्क्स नहीं लगता था, बट जितना भी मुझसे बना था मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो काबिल तारीफ ही था। 2 से 4 के बीच में एग्ज़ाम था, नहीं 3 से 5, एक ही दिन में 3 पेपर था एडवांस का, 8 से 10, फिर 11 से 1, और फिर 3 से 5, लास्ट केमिस्ट्री था, 1.5 आवर में पेपर सॉल्व कर लिया था, बहुत अच्छे से अपने आप को रेडी किया था, सॉल्व करके फिर ऐसे दोबारा देखा भी नहीं, और 128 में 105 मार्क्स लाए, कुछ नहीं भी बना होगा या कुछ सिली मिस्टेक हुआ होगा, तो उतना हाई लेवल तक तैयारी किए थे तो सब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं, हाँ उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बना होगा, आई एग्री, फिजिक्स में भी सेम था, हालांकि फिजिक्स का पेपर कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन फिजिक्स का भी उसमें ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ कुछ मिस्टेक होता गया, बट उसमें 75 मार्क्स था, और बाकी रेस्ट मैथ। एच ओ सी एल अलग है, एच ओ सी एल में हम लोग एच प्लस लेकर गए हैं, तो एच प्लस ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसका लोन पे एडवांटेज पावर ज़्यादा रहेगा, राइट, दैट्स वाई ए ऐसे ब्रेक हुआ है, अब ब्रेक होकर एच टू ओ एंड सी एल प्लस, एक तरीका ऐसे सोचने के लिए बताया था, दूसरा इसी को कैसे बताया था, दोनों से जो भी तरीका सोचिए सेम आंसर आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, नाइट्रोसोनियम क्लोराइड, क्या नाम रहेगा, नाइट्रोसोनियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बना होगा स्टूडेंट, 18 में अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाता साथ में तो एक ही कार्बन कार्बन ना, कितना कार्बन कार्बन, 1, और मार्कोवनिक ऑफ रूल फॉलो कर रहे हैं, कार्बोकैटायन है इंटरमीडिएट रहा होगा, तो डीएल पेयर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी पूछा जाता था, आंसर क्या रहता, 2, आपस में डीएल पेयर रहता। साइक्लोहेक्सेन इज बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, CH3, CH2, रिडक्शन करना है, यहाँ पे इसका रिडक्शन करना है, साइक्लोहेक्सीन ना, ओह वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये कौन सा, H3PO4 करेक्ट है ना, बाकी में बी तो क्या है, लुकास रिएजेंट, बी क्या है, वो तो क्या बना देगा वहाँ पे, सी एल, बोलिए
क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। कौन केचीएल वही सेम सिचुएशन, अल्कोहल से आरएक्स, कौन केचीपीआर सेम सिचुएशन बीआर आ जाएगा। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट करेक्ट है ना, तो एक 2015 का था 20। टू हेक्साइन गिव्स ट्रांस टू हेक्सीन ऑन ट्रीट, दोबारा रिपीट हो गया भाई। यहाँ देखिए हेक्साइन से ट्रांस एक ही ऑप्शन है, और जब मार्केट में एक ही ऑप्शन रहता है तो उसका भाव ऐसे भी ज़्यादा रहता है, इसलिए वॉच एडेक्शन बार बार आता है राइट। 2017 पहले भी तो एक बार आ चुका, 2019 या कभी आया हुआ है राइट, और 2004 में भी आया हुआ है, फ्री को नहीं 5-6 बार आया हुआ है भाई। तो इसके में तो एफर्टलेस है, फ्री मार्क्स है आपके पास। ऑप्शन क्या रहेगा, लिथियम अमोनिया, लिथियम अमोनिया, अल्कली मेटल अमोनिया, बेस्ट क्या रहेगा अल्कली। क्या बोले, ये अल्कीन का मेरा पहला प्रिपरेशन है, दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, हाँ या ना। अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए, मतलब अल्कीन का जब प्रिपरेशन, जब अल्कीन चैप्टर शुरू किया होगा तो मेरा पहला प्रिपरेशन था भाई। आइसोमेर बोला था 1 डिग्री अल्कोहल फॉलो पाथ ई टू प्रोडक्ट लाइक इवन ड्यू टू आइसोमराइजेशन, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री फॉलो पाथ ई वन, क्या है एच प्लस, और डिहाइड्रेशन करना है ना, एच एच टू पी ओ फोर माइनस, यहाँ से क्या लेगा एच प्लस, तो आसान था। इसका मतलब है कि शॉर्ट नोट्स बन गया है सबका, मुझे लगता है खुद से ही आप लोग को रट्टा मरवाना पड़ेगा। एक दिन अल्केन का बोलिए रिएक्शन, इसमें क्या होगा, नहीं टोटल तो अगर सुबह किसी दिन एक काम करेंगे, किसी दिन सुबह स्टार्ट करेंगे और शाम तक पूरा 80 रिएक्शन तो है, सिर्फ कितना है हार्डली टोटल 75 रिएक्शन है। तो सुबह स्टार्ट करूँगा और शाम 5 बजे तक पूरा ख़त्म, रिएक्शन रिवीजन, क्विक रिवीजन, खाना वाना लेकर आइएगा और मेरे लिए ले आइएगा। कैसे भूल जाते हो भाई रोशन कुमार, चलिए कोई बात नहीं है, ये चलते रहेगा, अभी फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। मैं अपने फ्रेम ऑफ रिफरेंस से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे भी कम से कम 5-10 तक बार देखना पड़ा था, तभी तो टाइम ज़्यादा लगा था। तो लेकिन कम से कम चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, आप इसको ले पा रहे हैं वही काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, लेकिन एक एक क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हैं ना, थोड़ा यहाँ पर थ्योरी भी साथ साथ बात कर रहे हैं। 2-फिनाइल प्रोपीन ऑन एसिडिक हाइड्रेशन, यहाँ देखिए अब उतना भूल जाइए, मार्कोवनिकोव रूल तो नहीं भूले होंगे, डैम श्योर, फॉलो मार्कोव। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है H प्लस, और न्यूक्लियोफाइल क्या है वाटर, और अगर इलेक्ट्रोफाइल है और सेम कंपाउंड में यहाँ भी पाई क्लाउड है, यहाँ भी पाई क्लाउड है, किसका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा रहेगा, अल्कीन का, ये तो बात पक्का हो गया। अब यहाँ पे अल्कीन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो कौन सा रूल को फॉलो करते हुए जाएगा, अब हट द मेन सेंस बिहाइंड मार्कोवनिकोव रूल, तो एच प्लस यहाँ या यहाँ, अगर एच प्लस यहाँ जाएगा तो कटायन यहाँ बनेगा, दैट कार्बोक्राइन स्टेबलाइज बाय, आगे आप लोग 6 पूरा बहुत बोलिए ताकि पूरा बात आ जाए, 6 हाइपर कंजुगेबल एन प्लस सेम, करेक्ट है ना। अब इसका नाम ढूंढ लीजिए क्या बनेगा, टू फिनाइल टू प्रोपेनॉल, करेक्ट आंसर ये होना चाहिए भाई, फ्री में मार्क्स है भी, लेकिन मार्कोवनिकोव रूल राइट। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, एच प्लस कहाँ जाएगा, ये तो हम लोग कहीं पे लिखवा ही दिए थे जब मैकेनिज्म में, ये बात तो कितना बार रिपीट किया हूँ, नहीं
ये बात तो यहाँ पे भी रिपीट किए थे भाई। यहाँ देखिए CH3Cl AlCl3 ये भी लिया था इस टाइप का एग्जांपल। ये देखिएगा तो आपको तो लगेगा फ्रीडल क्रॉफ अल्काइलेशन का कंडीशन ले लिया सर, और यहाँ पे कर दिएगा फ्रीडल क्रॉफ अल्काइलेशन, बट यहाँ पे होगा यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है कि CH3 क्या CH3 प्लस Cl माइनस, अगर ए लेंगे तो यहाँ जाएगा या यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट तो ये रहेगा, एग्री ना करेक्ट। और उस टाइम पे हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बन जाएगा, करेक्ट है। तो इस टाइप का एग्जांपल बहुत सारा लिया हुआ है, मैं फ्रीडल क्रॉफ अल्काइलेशन करवा रहा होगा तो इस टाइप का एग्जांपल लिया होगा, डैम श्योर एग्जांपल लिया हुआ है। तो 21 का आंसर आ गया, चलिए 22। ये कौन सा है, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है राइट, हाइड्रेशन ऑफ। इसमें एक ट्रिक दिए थे कि जहाँ पे कार्बोक्राइन बनेगा वहाँ पे मेक सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोक्राइन कहाँ बनाना पसंद करेंगे, पीएच के बगल वाला कार्बन पे, ताकि प्लस एम का एंजॉय करें। तो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए। कौन सा ऑप्शन से मैच करता है, देखिए तो ए के साथ मैच करता है, ओके तो आंसर ए होना चाहिए। आंसर क्या है, आप लोग समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, बाकी ऑनलाइन का स्टूडेंट अच्छा, इस तरफ का तो सही से नहीं स्कैन होकर मिला है, नहीं स्टूडेंट प्रिंट में सही से नहीं हो पाया लगता है। क्या आप लोग का भी कटा हुआ है क्या, जो ग्रुप में शेयर किया उसमें नजर आता है, वहाँ से ही किए थे ग्रुप में, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रिंटर में जो किए थे ना उसमें शायद कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चलिए देख लीजिए, तो ग्रुप में से देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, अब तो अभी क्लास से बाहर तो निकलूंगा नहीं। कौन सा क्वेश्चन था, कितना 23 क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, ये भी 2002 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई अ रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1-ब्यूटाइन एंड 2-ब्यूटाइन, ओके टर्मिनल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन एंड टॉलेंस रिएजेंट, बट टॉलेंस रिएजेंट तो यहाँ पे है नहीं, ओके ध्यान सुनिएगा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ये भी एक था, याद है आप लोग को, जब वहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए बोले थे RC ट्रिपल बॉन्ड, तो एक तो Ag+ लिए थे और एक ए भी लिए थे, तो ए भी क्या बनेगा, लेकिन 2+ से भी हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में प्रेसिपिटेट करेगा बट इंटरनल वाला इसके साथ रिएक्ट, बाकी सारा रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। बाकी जो रिएजेंट है, कौन कौन सा रिएजेंट बाकी है, ब्रोमीन CCl4 रिएक्शन करेगा, लिडनार कैटलिस्ट दोनों के साथ करेगा, डाइल्यूट हाइड्रेशन भी दोनों में होगा, बट डी में इट इज जस्ट लाइक टॉलेंस एजेंट, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं लिया हूँ, ये भी लिया गया था,
मैं वहाँ पे पढ़ाया क्या था कि सोडियम अल्काइनाइड में आयनिक करेक्टर होता है, बट सिल्वर अल्काइनाइड या सिल्वर कॉपर अल्काइनाइड इसमें सिग्निफिकेंट कोवेलेंट करेक्टर होता है, दैट्स व्हाई ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए तो ये हो गया, देयर इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल अल्काइन एंड टैमिन, लेकिन वी आर वेरी मच फैमिलियर विद ओनली टॉलरेंस रीजन, बट ये भी आप पूछा हुआ है, राइट। ट्वेंटी थ्री हो गया। ट्वेंटी फोर, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिक एडिशन टू अल्किन बिकॉज डिटो। नोटबुक का क्वेश्चन है भाई, यहां पे खरास इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट का बात कर रहे हैं, पेरोक्साइड एंड HX, और उसमें वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, इनर्जेटिकली कंट्रोल हुआ था, तो बाकी में HCl और खरास इफेक्ट को सिर्फ कौन देता है, HBr। तो HCl HI में एक स्टेप एंडो था दूसरा एक्सो था, करेक्ट, सॉरी दोनों शायद दोनों स्टेप एंडो था, बट यहाँ पे इनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल था, तो इनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें दोनों स्टेप यहाँ देखिएगा, HBr का ओवरऑल इनर्जेटिक इन मोर इनर्जेटिकली फेवरेबल था। ये नोटबुक में जो घर पे हैं स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट घर पे हैं अगर उनके पास नोट्स है खरास इफेक्ट का, तो वहाँ पे देखकर आप आंसर मैच कर लीजिए कि मैं वहाँ पे बाकी को क्यों रिजेक्ट किया था। तो यहाँ पे ये रहेगा करेक्ट ऑप्शन, मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन रहेगा वन ऑफ द स्टेप इन एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस, दोनों के लिए HCl और HI के लिए कोई दोनों दो स्टेप में से कोई एक स्टेप क्या रहेगा एंडो, इसलिए फेवरेबल नहीं था, बट इनर्जेटिकली HBr ज़्यादा फेवरेबल था। तो आप इनर्जेटिकली देख लिए हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि HBr का दोनों स्टेप शायद एक्सोथर्मिक था। जो घर पे हैं स्टूडेंट वो तो चेक करके बता सकते हैं, और ये चीज़ NCERT में दिया हुआ है, तो अब लगा कि NCERT से डायरेक्ट आ गया, ये है डेटा दिया हुआ NCERT में क्रॉस इफेक्ट का। आंसर क्या सही है? यस, इसका मतलब वहाँ से भी आ सकता है डेटा से, तो मैं नोटबुक में लिखवा दिया हूँ अच्छे से। ठीक है, मैं दो जगह पे केयर किया था, एक खरास इफेक्ट में, एक हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन का भी इनर्जेटिक्स लिया था, जब हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कंपेयर कर रहे थे तो, और वहाँ पे भी थोड़ा अनयूजुअल था, और वहाँ पे एक और चीज़ था सिलेक्टिविटी टर्म। ठीक है, 24 हो जाएगा ना एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए HOCl, यहाँ देखो रोशन कुमार, HOCl दो बार आ गया, एक बार कहाँ पे, कौन सा साल आया हुआ है, 2016 में, और फिर उससे पहले कब आया था, 2001 में, राइट। तो HOCl में क्या Cl प्लस वाटर, तो सबसे पहले कौन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल बनकर, Cl प्लस, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, मिलाई तो सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बैंक बोल रहा है, ठीक है, इसलिए कोई बहुत जो दो साल मोटा मोटी पढ़ लिया है और जो बहुत क्लेवर स्टूडेंट है लास्ट मिनट में क्वेश्चन बैंक को दो बार लगा जाएगा, देख देख के सॉल्यूशन देख देख कर, तीन तीन बार सॉल्यूशन देख कर अच्छा राइटिंग में, ताकि कॉन्सेंट्रेशन हाई जाए, राइटिंग नहीं बनाना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या जाएगा जल्दीबाजी में रहते, राइट, राइटिंग बनाना पड़ता है ना, तो राइटिंग देखे खुद से भी अच्छा लगे कि अच्छा है मेरा लिखा हुआ कितना बढ़िया है, पता ही नहीं चल रहा है, तो लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस शुरू से करना, मतलब मैं ऐसा नहीं, लेकिन सब एक बात ये भी है कि जो IIT वगैरह कर किया हुआ है तो उसमें एक आध दो कुछ होकर बाकी सबका राइटिंग इधर उधर ही रहता है फास्ट होने के चक्कर में, तो मैटर नहीं करेगा, बट राइटिंग भी एक मैटर करता है। तो दो बार भी अगर बना जाए अभी से, जैसे लास्ट मिनट में मेरे साथ बहुत पजल हुआ था मैथ को लेकर, मुझे लग रहा था कि शायद इस बार भी मेरा मैथ खराब हो जाएगा,
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सारा बुक को साइड कर दिया, क्वेश्चन मैं लगाना स्टार्ट किया और देखते कर बनाते थे, और बनाते बनाते इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगता था कि अब ऐसे लोनी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अरिहंत भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये इधर भी ख़त्म नहीं हुआ है, TMH मैग्रा हिल का आता था अलजेब्रा इतनी मोटी वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो भी मेरा टारगेट था प्लानिंग वो फिर से पूरा नहीं हुआ, अब क्या करें। फिर जब क्वेश्चन में बनाए तो वहाँ से एनालाइज किए, ओके तो जो सब हाईलाइटेड प्रॉब्लम था ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो उस टाइम 26 ईयर का ही क्वेश्चन बैंक था, तो 43 ईयर्स में तो सारा क्वेश्चन आ गया होगा भाई, उसी को अगर दो बार बना जाओगे एकदम सारा क्वेश्चन, एक बार पढ़ा हुआ है और देख देख कर सिर्फ, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, उसके लिए बेसिक थ्योरी क्लियर होना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, राइट। चलिए 26 देखा जाए, द हाइड्रोजिनेशन ऑफ द एडजॉइनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट, लिनार कैटलिस्ट, द सी ट्रिपल बॉन्ड का होगा, राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाकर आपको अच्छा फील होगा। एक ही क्वेश्चन में सब पूछ लिया गया है भाई, यहां देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये क्या है सिस, और यहां पे लिनार कैटलिस्ट और एस्टोल जगह, तो यहां भी बनेगा सिस, हाँ या ना। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। एक कार्बन क्या काइरल कार्बन बन पाया, एक कार्बन काइरल कार्बन नहीं बन पाया, तो क्वेश्चन क्या है, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एन ऑप्टिकली एक्टिव एरेस्मिक मिक्सचर डाइस्टीरोमेरिक मिक्सचर, यहाँ देखिएगा तो ए बन गया CH3, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो यहाँ पे क्या ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ये ऑप्टिकली क्योंकि ए ग्रुप और ए ग्रुप कॉन्फिग्रेशनली क्या हो गया है, सेम हो गया, ए भी सी सारे भी और सिमिलर, राइट। CH3 यहाँ भी क्या है CH3, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा, आंसर देखिए तो ऑप्टिकली, बट इसका तो फिक्स है ना सिस, अगर यहां पे लिथियम अमोनिया लेते, क्या लेते, वाच रिएक्शन, तो लिथियम अमोनिया लेते तो आपका कंफ्यूजन सर इसको रिड्यूस करेगा इसको, तो इंटरनल अल्काइन में फेल कर जाता है, इंटरनल अल्कीन में क्या करता है, इंटरनल अल्कीन में फेल करता है, सिर्फ किस में रहता है अल्काइन को करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता CH3H, अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर वाइज ग्रुप सेम है बट कॉन्फिगरेशन सेम है, तब एक कायरल सेंटर बनता, तो यहाँ पे इस टाइप का हम तो सीडो कायरल सेंटर है ना, तो इसमें DL पेयर मिलता भाई, रेशमिक मिक्सचर मिल जाता, ठीक है, तब ऑप्शन क्या होता, तो इस कॉन्सेप्ट पे एक बार क्वेश्चन आ गया इस टाइप से, तो यहाँ पे सेकंड टाइम लिथियम अमोनिया आ सकता है, तो दोनों लिख लीजिए आंसर, देखिए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो नहीं कि एक ही क्वेश्चन में रिएक्शन भी चेक हो गया और एक कॉन्सेप्ट भी चेक हो गया, करेक्ट है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश, हाँ सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनिया मतलब टॉलरेंस एजेंट, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों रिएक्शन करेगा इन कोल्ड कंडीशन में, H+ H2SO4- इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, राइट। Br2 इन CCl4, Br2 का कलर होता है ब्राउन बट अल्काइन और अल्किन दोनों करेगा, फिर डाइल्यूट KNO4 वेयर्स रिएजेंट
दोनों टेस्ट देता है अल्किन भी और, बट ए जो है सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनिया मतलब टॉलरेंस रिएजेंट, ये सिर्फ क्या देता है अल्काइन देता है, उसमें भी टर्मिनल अल्काइन देता है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए। देख लीजिए आंसर, पहले देखिए डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया ना एवरीवन। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किन्स विल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ H2 अंडर कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। एक मिनट, यहाँ देखिएगा, अल्काइन का कैटलिटिक हाइड्रोजन ऑफ अल्काइन में रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय एस्टेरिक फैक्टर, ऐसे डायग्राम बना रहा होगा मैं, याद है? और मैं बताया था कि अल्किन अल्काइन से ज़्यादा होगा, करेक्ट है? इसमें 9 एग्जाम्पल लिया होगा, कितना मोटा मोटी 9, एक लाइन से कंपेयर कर दिया था। तो अब बताइए अल्काइन तो कोई है नहीं, तो सबसे फास्ट किसका रहेगा भाई? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है ए और बी के बीच में, डिटो यही एग्जाम्पल ही लिया हुआ है। देखिए एक एग्जाम्पल मेरा था CH3 H और H, नोटबुक अगर कोई वहाँ पे है तो देख सकते हैं, ए भी डाइस सब्स्टिट्यूटेड, ए भी क्या है, बट यहाँ पे मैं बोला था कि यहाँ पे इस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से अप्रोच कर सकता है, करेक्ट है? यहाँ भी 1-methyl H को फेस करेगा, यहाँ भी 1-methyl, इस केस में भी सेम, लेकिन इस केस में तो मिथाइल को फेस करेगा, बट इस केस में मिथाइल को फेस नहीं करेगा, बट राइट, इसका मतलब ए और बी में किसका ज़्यादा हो जाएगा? ए का ज़्यादा रहेगा ना, ए था मेरा ए, या सॉरी इवन सी एस सी का ले लिया ना। अब यहाँ पे देखते हैं तो चार ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच करता है, तो यही तो जस्ट लाइक ए, जस्ट लाइक ए वहाँ पे आर राइट। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग यह था स्टूडेंट, यहाँ पे आर इसमें SCs वाला पार्ट हो गया ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक्चुअली एक क्वेश्चन और भी बढ़िया बन जाता अगर 3 एग्जाम्पल वहाँ पे रहता, ये 3 एग्जाम्पल मैं अपना नोटबुक में लिया हूँ CH3 लेकर। ये क्या है ट्रांस, ये क्या है सिस, ये सेम कार्बन पे, ऑल आर द केस ऑफ ट्राई, यही 3 एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन हुआ था हम लोग को। तो सबसे फास्ट किसका रहेगा? सी का। इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा कि आर एच, तो यहाँ पे मैं बताया था कि यहाँ पे सेम कार्बन दो आ रहे थे, ए रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये और इधर आ जाएगा, करेक्ट? दैट्स व्हाई इसमें और इसमें किसका ज़्यादा रहेगा? तो अब यहाँ तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहाँ पर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन था नहीं भाई, तो ऑप्शन ए है देखिए तो, बट इसमें मैं मोटा मोटी 1 से लेकर 9 तक एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, 2000 में ही आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 1-butyne वुड बी, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स रिपीट हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन का रिएजेंट सो मेनी टाइम्स फॉर रिपीटेशन में है, राइट? सिल्वर क्या मर्करिक सल्फेट H2SO4, तो एक क्वेश्चन 29 छोड़ दिया जाए आप लोग के लिए, बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, छोड़ दिया जाए क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा नंबरिंग नहीं किया हुआ है उसको ऐसे कन्फ्यूज, तो एक काम कीजिएगा यहाँ पे नंबरिंग खुद से हम लोग कर लेते हैं, अल्किन की तरफ से करेंगे, इसके तरफ से C2 C3, अरे नंबरिंग, हालांकि नंबरिंग, हाँ नंबरिंग ऐसे रहता है, यहाँ देखिएगा जहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है, तो हम लोग आर ए पी डी एक साथ दोनों पर लगाते हैं,
बट यहाँ पे वन ए बी वन, तब हम लोग अल्किन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वन टू थ्री फोर समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से नंबरिंग करके सोचिएगा, ठीक है, अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो। चलिए, द रिएक्शन विथ एच बी आर गिव्स, तो एच बी आर का मतलब एच प्लस बी आर माइनस, एच बी आर का मतलब एच प्लस, तो एच प्लस कहाँ जाएगा, रिंग पे जाएगा या अल्किन पे जाएगा, कहाँ जाएगा, अल्किन पे जाएगा, ठीक है, ना कि वेच, वेच का लोन पे रिजोनेंस में है, करेक्ट है, तो यहाँ पे जाएगा। तो एम रूल को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट क्या होगा, जरा एक बार देख लीजिए, पेन चलाइए, इसको रिएक्शन में थोड़ा पेन चलाइए, तो सब लोग पेन चलाएंगे, प्रोडक्ट जैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका लोन पेयर का इफेक्ट यहाँ तक आ रहा है, हाँ या ना, करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग एच प्लस को लेके जाएंगे, सी एच थ्री सी एच एच और कार्बो कटाइन, यही तो कंपाउंड होना चाहिए, कौन सा मैच करता है भाई, सी, आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पर मोल, इसमें तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा, अब एक चीज तो यह हो सकता था, हीट ऑफ हाइड्रोजन रेजोनेंस वर्सेस हीट ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाया था, बट उसमें रेजोनेंस वर्सेस हीट ऑफ हाइड्रोजन सर, राइट, या हाइपर कंसन वर्सेस हीट ऑफ हाइड्रोजन सर, तो लेकिन वो तब अप्लाई होता था जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड इक्वल होता था, राइट, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सारा स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो एक घर पे ट्राई कीजिए, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।